जी, वफाकी दारुलहुकूमत का जो सबसे अहम हलका है वो NA-47 है, जहाँ पर तकरीबन 37 के करीब उम्मीदवारों ने अपने मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हुए हैं, जो एक्सेप्ट भी हो गए हैं, और यहाँ पर बड़ा सख्त मुकाबला देखने में आ रहा है। और इन्हीं यहाँ पर एक बड़े जागीरदार भी अपने दावे कर रहे हैं कि वो बड़े कामयाब तरीके से आगे की तरफ जा रहे हैं, और इसी तरीके से जो साबिक MNAs हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि हम बड़े अच्छे तरीके से अपनी मुहिम चला रहे हैं। लेकिन एक ऐसी खातून भी इन उम्मीदवारों में शामिल है जो बिल्कुल मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखती हैं और बड़ी तालीम याफ्ता, आला तालीम याफ्ता बल्कि कहा जाए तो अच्छा है, और उसके साथ साथ उनकी जो खिदमात हैं, जो एजुकेशन में उनकी खिदमात हैं, जो हेल्थ में खिदमात हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस वक्त तकरीबन 50 से ज़ायद स्कूल उन्होंने NA-47 में खोले हैं, जो फ्री स्कूल हैं, जो स्ट्रीट स्कूल कहलाते हैं, यानी जो गलियों में बच्चे घूम फिर रहे हैं उनको तालीम देने की तरफ उन्होंने काम किया। और इसके अलावा भी NGOs भी, उनकी बहुत बड़ी NGO है जिसके तहत उन्होंने बहुत सारे हेल्प लोग उन्होंने काम किया, प्रोजेक्ट पर काम किया। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर देखा जाए कि NA-47 की क्या सूरत हाल है, वो खातून होते हुए उनकी मुख्तलिफ जो बरादरीज हैं उन्होंने भी उनकी हमायत का ऐलान किया, मुख्तलिफ ज़ुबान बोलने वाले लोगों ने उनकी हमायत का ऐलान किया है, और नज़र यह आ रहा है कि बड़ी स्पीड से और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी मुहिम को आगे की तरह बढ़ा रही हैं। उनका नाम है आसमा मुजफ्फर मलक साहबा, उनका जो निशान है इंतखाबी निशान वो है कंप्यूटर, वो उन्होंने खुद एक दरख्वास्त देकर एक्सेप्ट कराया, क्योंकि वो चाहती हैं कि ये जो पाकिस्तान की कौम है, बिलखसूस इस्लामाबाद की कौम है, उनको तालीम याफ्ता करें और आगे की तरफ बढ़ें। मैं आसमा मलक साहब से सवाल करूंगा, जी मैडम बताइएगा कि आपको इलेक्शन लड़ने की ये क्यों आप इलेक्शन की तरफ आई हैं, और क्या आपने सोचा कि मैं इलेक्शन लड़ूँ, और क्या आप करना चाह रही हैं यहाँ? रहमान रहीम, थैंक यू सो वेरी मच। देखिए, जहाँ तक ये बात है कि हम पॉलिटिक्स में क्यों आए हैं, तो हम बहुत अरसे से वेलफेयर का काम कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप एक लेवल पे रह के अगर आपने बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करनी है और वाकई ही चेंज लेके आना है, तो उसके लिए आपका जो है वो निज़ाम में सिस्टम का पार्ट बनना बहुत ज़रूरी है, और एक इस विजन के साथ कि आम आदमी की ज़िंदगी में हम बेहतरी लेके आएंगे, इस विजन के साथ हम सामने आ रहे हैं। यकीनन इस वक्त जो मसाइल हैं NA-47 के वो बहुत ज़्यादा हैं, जो अर्बन और रूरल की डिवाइड है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर आप इस्लामाबाद में IE8 से चल के बाराकू वाली साइड पे जाएं, तो ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क नज़र आता है। वहाँ पे हमारे जो लोग हैं, आम ज़रूरियात की ज़िंदगी की जो है वो उनके पास मैसर नहीं है, पानी उनके पास नहीं है, सेहत की कोई बुनियादी सहूलतें उनके पास नहीं है, तालीम उनके पास नहीं है, टूटी हुई सड़कें हैं, और हमारी औरतें तकरीबन 2-2 किलोमीटर चल के पानी पीने का साफ पानी लेकर आ रही हैं। क्या ये इस्लामाबाद है? क्या ये इस्लामाबाद है जिसको हम कैपिटल कहते हैं? यकीनन इस्लामाबाद में जो है वो बहुत बेहतरी की गुंजाइश है, और अगर राइट कैंडिडेट ऐसा नॉमिनेशन सामने आए, ऐसा कैंडिडेट सामने आए जो विजनरी हो और उसको पता हो कि उसने जो है कैसे बेहतरी लेके आनी है, तो यकीनन हम इस्लामाबाद में बहुत बेहतरी लेके आ सकते हैं। इस्लामाबाद जो कि पूरे पाकिस्तान का कैपिटल है, यकीनन उसको कैपिटल के शायान निशान होना चाहिए। जी, आपने इस्लामाबाद के हवाले से बड़ा एक अहम जो चीज़ें सामने आई हैं, आपके अलावा किसी ने इस्लामाबाद के मसाइल को ऐसा लगता है उजागर ही नहीं किया, आपने उजागर भी किया और उसका हल भी बताया, वो क्या है जो आपने उजागर किया और उसका हल जो आपने? देखिए, एक जनरल परसेप्शन पूरे पाकिस्तान में यही है कि इस्लामाबाद में कोई मसाइल नहीं है, ये जो है ये बड़ाई ही जो है वो प्लान सिटी है, लेकिन जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं उनको पता है कि पिछले 20 साल में जितनी मशरूम ग्रोथ इस्लामाबाद में हुई है। देखिए, इस्लामाबाद कैपिटल है, पूरे सूबों से जो इस्लामाबाद में जो है वो लोग आते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होती है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे जैसे आबादी बढ़ी, मसाइल बढ़ते गए, रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं किया गया, और उसकी वजह से बहुत से मसाइल सामने आए। जैसे इस वक्त जो पानी का मसला है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस्लामाबाद में देखा जा रहा है, इसी तरह तालीम की फैसिलिटीज़ आपके बच्चों को नहीं मिली, 60-70 हज़ार बच्चा आपका स्कूलों से बाहर बैठा हुआ है। इस्लामाबाद में हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो सिर्फ एक हॉस्पिटल है 25 लाख की आबादी के लिए। आप ये देखेंगे इस्लामाबाद का ग्रोथ रेट जो है वो इस वक्त 6% जा रहा है, और अगर इसको कंट्रोल ना किया गया और इसके मुताबिक काम नहीं किया गया तो आने वाले 20 सालों में ही इसकी न्यूजीलैंड जितनी आबादी होगी सिर्फ एक शहर की। तो आप ये देखेंगे बहुत सी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है और एक फोकस्ड होकर काम करने की ज़रूरत है। दो तरह के इश्यूज होते हैं, एक वो होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म्स होते हैं और एक वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म इशूज़ होते हैं। तो हम जनरेशन इशूज़ को सामने लेके आएंगे ताकि हम वो काम करें जो हमारे आने वाली जनरेशन को बेनिफिट कर सकें। बड़ा कोई मसला बताएं जो आप फर्स्ट टाइम फोकस करके आप उसे हल कराने की तरफ जाएंगे, अगर आप 47 से मुंतखब हो जाती हैं तो आपका क्या होगा कि सबसे पहले क्या आप हल कराएंगे जो आप बड़ा मसला समझते हैं? देखिए, जो आम लोगों की ज़िंदगी को जो चीज़ इफेक्ट करती है ना, वो इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी का जो इशू है ना वो सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है,
और लोग जो हैं उनके लिए अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी वजह से आपने देखा कि तालीम के सेफ शोबे में लोग जो हैं वो अपने बच्चों को वहाँ से उठा रहे हैं, सेहत उनके पास नहीं है और बाकी फैसिलिटीज़ भी उनको इसलिए नहीं मिल पाती कि उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो उसको मैनेज कर सके। तो हम ये कोशिश करेंगे, स्पेशली फोकस्ड करेंगे फीमेल्स को। आप ये देखें, फीमेल्स हमारा अनटैप पोटेंशियल है, हमारी आधी से ज़्यादा आबादी फीमेल्स की है और अगर हम अपनी औरतों को स्किल सिखाएं और घर बैठे रोज़गार जनरेट करने के मौके सिखाएंगे तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा फैमिलीज़ के लिए कि वो अच्छी तरह से उनकी आमदन में इजाफा होगा और वो अपना सिस्टम अच्छी तरह से चला सकते हैं। ये भी था कि इस्लामाबाद के रहने वालों के लिए जो यहाँ वफाकी जो मिनिस्ट्रीज हैं, इदारे हैं, वहाँ पर यहाँ का कोटा होना चाहिए, वो कोटा कितना होना चाहिए, पहले तो इस किस्म की कोई बात नहीं थी, आपने एक सिलसिला शुरू किया, वो क्या है? देखिए, इसमें दो चीज़ें, एक तो ये कि जब जितनी भी हाउसिंग स्कीम आती है, सिटी जितना भी सेक्टर्स लॉन्च करता था उसमें जो रेजिडेंट थे उनका कोटा नहीं था, तो इसके लिए हमने आवाज़ उठाई और अभी हमें बड़ी खुशी इस बात की कि सिटी ने एक्नॉलेज किया है, ये कोटा मुख्तस किया है। इसी तरह जो जॉब्स हैं, आप ये देखिए इस्लामाबाद में 25 लाख जो है वो आबादी है, तो इनके कोटे के लिए आपको जो है वो पंजाब के साथ मर्ज कर दिया जाता है और ये बड़ी ही अलार्मिंग बात है कि हमारी इस्लामाबाद की क्या अपने जो लोग हैं इनकी कोई इनके लिए नौकरियां नहीं होनी चाहिए, इनके लिए कोई और जॉब्स फैसिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, तो ये कोटा अलग से मुख्तस करना चाहिए, जैसे सूबों का कोटा होता है इसी तरह फेडरल का कोटा होना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि आपने आपकी जो मुहिम है वो कैसी इस पर जा रही है, आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है अब आपकी तरफ से? देखिए, बहुत वेलकमिंग रिस्पॉन्स है, हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने पहले काम करके दिखाया है, परफॉर्मेंस और डिलीवरेंस की है और हम फिर जो है वो पॉलिटिक्स के मैदान में आए हैं। पॉलिटिक्स में आने का मकसद सिर्फ यही है कि हम और बेहतर तरीके से अपने लोगों को जो है ना वो फैसिलिटेट कर सकें, एक कम रिसोर्स में हम किसी हद तक महदूद हद तक काम कर सकते हैं। आपने कंप्यूटर का एक निशान लिया और आप ये उम्मीद है कि आपकी ख्वाहिश पर ये आपको अलाट किया गया, इसकी क्या वजह है, कंप्यूटर आपने क्यों पसंद किया? देखिए, आने वाला वक्त जो है ना वो टेक्नोलॉजी का है, अब पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन की बात करती है और हमारे बच्चे जो हैं वो बेसिक जो एजुकेशन है उसी से महरूम है। हम ये कहते हैं कि हम इस्लामाबाद को जदीद तरीन तरक्की याफ्ता जो है वो कैपिटल बनाएंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि हम डिजिटली एम्पावर करें अपने लोगों को। कंप्यूटर बेसिक यूनिट है अगर आपने तरक्की की तरफ जाना है, और अगर हम अपने इस्लामाबाद में स्कूलों की बात करते हैं तो हमारे बच्चों के पास तो यहाँ पर कंप्यूटर्स भी नहीं है, तो ये एक निशान है तरक्की का, इस्लामाबाद की तरक्की का, जदीदरीन तरक्की का, डिजिटली एम्पावर करने का, ताकि हम कम से कम अरसे में अपने नौजवानों को स्किल्स के साथ डेवलप करके उनका रोज़गार जनरेट कर सकें। जी नाज़रीन, ये एक खातून हैं जिन्होंने इस्लामाबाद को जदीद और तरक्की याफ्ता बनाने का एक अज़म किया है और इस अज़म के लिए मेरा ख्याल ये है कि वफाकी दारुलहुकूमत ने पूरे पाकिस्तान को इस अज़म की हमायत करनी चाहिए, क्योंकि एक तरक्की याफ्ती हमारे पास कोई एक शहर ऐसा होना चाहिए जो जिसको हम पूरी दुनिया के सामने प्रजेंट कर सकें, दिखा सकें, बता सकें कि हमारे पास इतना खूबसूरत शहर है। अल्लाह ने इस्लामाबाद को बहुत ज़्यादा जो वसाइल हैं दिए हैं, लेकिन वसाइल का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाएगा ये जो मुंतखब होंगे लोग इन्हीं के हाथ में तकदीर होगी। इजाज़त दीजिएगा सदीक अंजर को प्रमोशन।